इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। उकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू मंजिल भी तू। अल्लामा इकबाल का ये शेर बहुत कुछ अर्ज करता है। कहने को बहुत कुछ है पर मौजूदा हालात ने मुसलमानों के गोया वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसकी कोताही तमाम सवालात पर है। पर इससे पहले भी बहस इस मौजू पर अक्सर हो चुकी है, बहस मुबासे हुए हैं, तस्करे हुए हैं, पर तमाम नशिस्तों का ना हल निकला और ना ही उम्मत में कोई बेदारी या तब्दीली नजर आई। जिस कदर मुसीबतों के पहाड़ सामने नजर आ रहे हैं, कहीं तो मुस्लिम माशरे को रुक कर सोचना होगा। ये और बात है कि संविधान भारत का आइन भी खतरे में है, जिसके लिए नाम निहाल सेक्युलर पार्टियों को आगे बढ़ना होगा। दलित ओबीसी सियासी पार्टियां इदारे तंजीमों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना होगा। पर भारत में हिंदू मुस्लिम की तकसीम करने वालों की ताकत पहले से भी कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। जख्म बहुत है पर कहीं मरहम नजर नहीं आ रहा। बिहार इंतखाबात में भाजपा की जीत बहुत कुछ बयान करती है। आखिर क्या बात है कि तेजस्वी यादव की आरजेडी को बहुमत ना मिल सका। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी नीतीश कुमार ने धोखे से इख्तदार हासिल करने की बात कही। तमाम एग्जिट पोल के नतीजों को झुठलाते हुए भाजपा गठबंधन की जीत यकीनन सोचने पर मजबूर करती है। पर यह पहली मर्तबा नहीं हुआ है, बार बार होता है और बार बार भाजपा गठबंधन या मोदी हुकूमत बाजी मार लेती है। कई बार ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं पर साथ के साथ आवाज धीमी भी पड़ जाती है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और भी दीगर रियासतों में भाजपा की जीत तश्वीशनाक तो है पर जीत के बाद क्या कर सकते हैं। सियासत में तो जो जीता वही सिकंदर, फिर भले एक होट से ही क्यों ना जीते। पर यहाँ तो मशीनों पर ही सवालात खड़े किए हुए हैं, पर मुल्क हिंद में अब सवालात कोई मायने भी नहीं रखते। सभी जानते हैं कि महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव लड़े गए। भारत में सबसे ज्यादा लॉकडाउन में मुतासिर बिहारी मजदूर ही थे, फिर आखिर भाजपा की जीत कैसे हुई। क्या अब यह मान लिया जाए कि अब हिंदुत्व का तासुब तकरीबन लोगों में आ चुका है। क्या गरीब भूखा रहना चाहता है पर वोट मोदी को ही देना चाहता है। सभी जानते हैं कि मोदी हुकूमत में देश किस इंतहा की पस्ती में जा चुका है। नीतीश मोदी गठबंधन ने तो बिहार की हालत को और भी खराब कर दिया। मरकजी मोदी हुकूमत हर महाज पर नाकाम है, इसके बावजूद मोदी की जीत पर शको शुबात करना लाजमी है। यकीनन मुल्क तब्दीली की तरफ है, या तो तमाम महकमाओं को अपने जेरे मातहत रख कर जीत हासिल की जाती है। इन तमाम सवालात में सबसे बड़ा सवाल तो मुस्लिम माशरे का है। संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम माशरे को अलग थलग करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अब दलितों को भी हिंदू कहकर अक्सरियत में समा लिया जा रहा है, और वह माशरा जिसने देश को सब कुछ दिया, जान माल हर चीज लगाकर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया, अब इसे अलग थलग करके सियासी मुफाद हासिल किया जा रहा है। शायद ऐसा बदतरीन दिन तो भारत की तारीख में कभी नहीं देखा होगा। बिहार में मुस्लिम माशरा एमआईएम की जीत पर बहुत खुश हो रहा है, पर कुछ इल्मी दानिशों का कहना है कि अगर 50 भी कोई मुस्लिम पार्टी जीतती है तो फायदा क्या होगा, क्योंकि अब पार्लियामेंट अदालत पर भी आरएसएस विचारधारा का असर दिखाई दे रहा है। वक्ती खुश तो हो सकते हैं पर तवील अरसे तक इसे कामयाब नहीं माना जाएगा। सवाल तो यह भी उठता है कि क्या पार्लियामेंट में कोई मुस्लिम कायद सवाल उठाता है तो इसके सवाल पर किसी बिल को रद्द किया गया है। मान लीजिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ही बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं तो इसके बदले में कौम को कोई बड़ा फायदा हो रहा है क्या। दूसरी तरफ मुसलमानों की सियासी पहचान जो पहले हुआ करती थी कि इख्तदार तक पहुंचने के लिए मुस्लिम वोट नतीजा कन बन सकते हैं, भाजपा ने शिद्दत पसंद हिंदुत्व का फार्मूला जो इस्तेमाल किया, इससे मुसलमानों की सियासी अहमियत ही खत्म हो गई। वही पहले तो ईवीएम पर सवाल उठाए गए और अगर जीत भी गए तो एमएलए एमपी को खरीद कर भाजपा की ही हुकूमत बनने लगी। मुसलमानों को तो सेक्युलरिज्म के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। नीतीश कुमार कभी सेक्युलर हुआ करते थे तो इख्तदार की लालच ने से भाजपा का दोस्त बनाया। भाजपा का वजूद ही गोया मुस्लिम दुश्मनी है, और जाहिर है आरएसएस की पहचान ही मुस्लिम विरोधी है और हिंदू राष्ट्र के तसव्वुर से है।
हिंदू राष्ट्र के तसव्वुर से बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी को तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान ही वोट दे रहे हैं, और मुसलमानों की हालत यह है कि जिसे भी सेक्युलर समझ रहे हैं वो कुछ ही लम्हों में भाजपा की गोद में नजर आता है। अभी एमआईएम की तरफ मुसलमानों का झुकाव जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी है। मुसलमानों के दिलो दिमाग में यकीन बैठ गया है कि अब हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो भी हो जैसा भी हो किसी मुस्लिम को ही वोट दिया जाए। एमआईएम को एक तरह से मीडिया भी प्रमोट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि 5 सीटें जो बिहार में एमआईएम जीती हुई है इसकी सबसे ज़्यादा खुशी मीडिया को हुई है। आरजेडी की 74 सीटें आई उस पर कोई चर्चा नहीं, पर 5 सीटों वाली एमआईएम पर डिबेट जारी है। हो सकता है कि बंगाल में भी एमआईएम जीत ले, पर क्या वाकई अब मुसलमानों को मुस्लिम वोटों को जीतने के लिए मुस्लिम पार्टी को वोट देना एक ही रास्ता है? इस पर लम्हा फिक्र होनी चाहिए। उलमाओं को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उलमा मौलाना कब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? आने वाले हालात बहुत खतरनाक है। मोहल्ले की जमात, यंग कमेटी, इदारे, तंजीमों को एक जगह पर सरों को जोड़कर बैठना होगा। जिस तरह से हम घर, गली, मोहल्ला, शहर की जमातों में मुंतशिर हुए हैं, मुत्तहिद होने की कोशिश करनी चाहिए। यकीनन काम बहुत मुश्किल है। मुफाद परस्त दीनी रहनुमा, सियासी रहनुमा हमें एक होने नहीं देंगे। आज भी कुछ सलाम ना करने की हिदायत देते हैं, क्योंकि दूसरा अलग मसलक का है। भले मिंबर पर बैठकर कुरान की आयतें हमें सुनाकर एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, पर मेरा मौलाना, मेरी जमात, मेरी किताब का तासुब जहनों में अंदर तक बैठा हुआ है। उम्मत का एक बड़ा तबका आने वाली मुसीबतों को समझना ही नहीं चाहता, और कुछ लोगों को एक उम्मत के पैगाम को इसलिए भी आम करना नहीं चाहते क्योंकि इनके जाति मुफात इसमें छिपे हुए। इनफरादी तौर पर तो हम मरने के लिए तैयार हैं, पर इज्तमाही तौर पर जद्दोजहद नहीं करना चाहते। यह अलमिया है हमारा। दीनी रहनुमाओं को कबर हशर की बात से हटकर हालात हाजरा, मुल्क के बदलते हालात पर बोलना होगा। मुल्क के संविधान, आईने हिंद को बचाने के लिए दिगर मजाहिब के लोगों से राबता करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र संविधान बचेगा तो ही इस मुल्क का भाईचारा बचेगा, वरना देश की तहजीब खतरे में आ जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे और सिर्फ तमाशगीर बनकर देखते रहेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।